I'm Nirmala Pandey. Welcome you all in SAFE classes. So students, today we are going to study the next topic of animal tissue, that is connective tissue. अब देखो जो connective tissue है, हमने पहले जब पढ़ा, थोड़ा सा recall कर लेते हैं animal tissue के बारे में. हमने बोला कि जो animal tissue है, ये वो tissue होगा जो कि animals और हम जो human beings हैं हमारी body में मिलता है. फिर हमने कहा था कि इसके different different types होंगे. फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. इसके अलावा दो और होंगे इसके अंदर, एक आएगा इसमें आपका जो मस्कुलर टिश्यू होगा वो, एंड जो लास्ट टॉपिक है वो आपका नर्वस टिश्यू होगा. अब देखो जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव, कनेक्टिव मीन्स कनेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करेगा ये टिश्यू. ये क्या करेगा, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के साथ अटैच होने में हेल्प करेगा, एज वेल एज पैकेजिंग में हेल्प करेगा. लेट सपोज आप कोई बुक बना रहे हो और उसको आपको क्या करना है, उसमें बहुत से पेजेस हैं एंड यू वांट टू मेक देम स्टिक विद ईच अदर, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, ग्लू का, राइट. अब वो जो ग्लू है एट दैट पॉइंट वो क्या है, लेट सपोज वो डिफरेंट डिफरेंट जो पेजेस हैं, दे आर द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. अब उन सबको स्टिक करने के लिए एक दूसरे के साथ आपको किसकी नीड पड़ी है, ग्लू की. तो ये जो ग्लू है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट. अब हमें ये भी पता है, देखो हम जो भी फूड ईट करते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा. आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अब देखो खाना खाया, वो खाना तो पेट में गया, लेकिन उस स्टमक रीजन से उस फूड को हर एक बॉडी पार्ट तक भेजने का काम किसका होता है, ब्लड का. तो ब्लड भी हमारा किसमें आएगा, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आएगा. तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा एक दूसरे की. एज वेल एज क्या करेगा, ये पैकेजिंग टिश्यू की तरीके से काम करता है. फिर इसमें जो हमारा, हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स के अंदर, तो उसमें जो एक एडिपोज टिश्यू आएगा जो कि इसके टाइप है, वो टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो हमारी बॉडी की हीट है, यानी कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए उस हीट का अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो उस इंसुलेशन में, ताकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो हीट है, वो लूज ना हो जाए इन टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, उसमें ये क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा. एज वेल एज ये क्या करते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, यानी कि जब हमें चोट लग जाती है उस टाइम पे जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसमें भी ये हेल्प करेगा. तो उसमें कौन हेल्प करेगा, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं कोलाजन फाइबर्स. क्या होते हैं, इनके अंदर कोलाजन फाइबर्स होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होगा उसी के अंदर. तो ये जो फाइबर्स होंगे ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेंगे. तो ये ओवरऑल जस्ट व्यू है. जब हमारे किसका पार्ट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कौन सा वाला जो पार्ट है, यानी किसके जो टाइप है, कौन सा क्या काम करेगा और उसके क्या स्पेशल फीचर होंगे. ओवरऑल जो फिलहाल हमें एक बेसिक चीज याद रखनी है, तो वो हमें क्या रखना है याद, कि इसके अंदर क्या होंगी, काफी सारी सेल्स होंगी, जो कि ऑब्वियसली एक टिश्यू है तो सेल से मिलकर के ही बना होगा. अब इसकी जो सेल्स होती है, लेट सपोज ये इसकी क्या है, सेल्स है जो कि यहाँ प्रेजेंट है, दे आर placed in a matrix. ये क्या होंगे, एक मैट्रिक्स में, और यू कैन से इनके बीच में क्या होता है, इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है. ये इंटर सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या होगा, बिटवीन दी सेल्स प्रेजेंट होगा, एज वेल एज इनके पास क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं. ये जो फाइबर्स होंगे ये या तो कोलाजन फाइबर होगा या क्या होगा, इलास्टिन के फाइबर होंगे, ठीक है. दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, या तो कोलाजन फाइबर होगा या फिर क्या होगा, उसके अंदर इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होगा. इसके अलावा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, जो कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली ब्लड सप्लाई को करेंगे. अब देखो जो ये मैट्रिक्स है ये होता क्या, एक्चुअली इसको समझते हैं. लेट सपोज आपके पास एक ग्लास है जिसके अंदर जूस है. अब उस जूस के अंदर अगर आप क्या करोगे, आइस क्यूब्स डालोगे, तो क्या होगा, जो वो आइस क्यूब्स हैं वो फ्लोट करेंगे ऑब्वियसली उस वाटर के अंदर, जो जूस हमने लिया वहां पे. अब देखो जो वो वाटर है, सपोज इट इज द मैट्रिक्स, ये क्या है, मैट्रिक्स है,
और जो वो हमारी आइस क्यूब थी वो क्या हमारी सेल्स हैं। इन द सेम वे जो हमारी सेल्स होती हैं वो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगी, प्लेस्ड होंगी इन दिस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पे आपने जूस लिया है, ये जो मैट्रिक्स होता है ये मैट्रिक्स है कैसा, यानी कि इसका नेचर कैसा है, क्या ये रिजिड है, रिजिड मतलब कि स्टिफ। लेट्स सपोज दिस इज अ मार्कर, तो इस ये क्या हमारा रिजिड है, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, आप इसको बेंड नहीं कर सकते, तो ये रिजिड हो गया। तो क्या इसका मैट्रिक्स रिजिड है मतलब कि हार्ड है और वो मुड़ नहीं सकता, तो वो अलग हो जाएंगे, वो किस में आ जाएगा, हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होगा उसके अंदर आएगा, दैट इज अवर स्केलेटल सिस्टम। हमारी जो बोन्स हैं, क्या लेट्स सपोज यहाँ तो जॉइंट था, ऑब्वियसली हमें पता है कि जॉइंट्स पे से तो हम मूव कर सकते हैं, बट एज बिकॉज यहाँ कोई जॉइंट नहीं है, क्या हम इसको मूव कर पाएंगे यहाँ से, नहीं, ये टूट जाएगा लेकिन मूव नहीं करेगा। तो ये क्या है, हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। इसके अंदर आती है हमारी बोन्स और कार्टिलेज, यानी कि इनका जो मैट्रिक्स होगा वो काफी हार्ड होता है, रिजिड होता है। फिर सेकेंड आता है जैसे कि स्किन है, बोन तो नहीं हुई बट ये जो स्किन वाला पार्ट है यहाँ से, अब देखो जो स्किन तो नहीं थी, इसके नीचे मसल्स भी प्रेजेंट है बट ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आपका जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा होगा हमारा, इट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। ये जो टिश्यूज होते हैं इनके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे जिनको हम आज क्लास में स्टडी करने वाले हैं। अब देखो ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होगा इसका मैट्रिक्स क्या होगा, रिजिड नहीं होगा, हल्का फुल्का हार्ड होगा, ठीक है, यानी कि ये ज्यादा, देखो लिक्विड भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और ना ही क्या ये ज्यादा हार्ड है जो हम ये वाला पार्ट पकड़ रहे हैं ये। तो ये क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होगा इसके जस्ट नीचे, जो कि इसकी पैकेजिंग में हेल्प कर रहा है, यानी कि जो स्किन है वो और इसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हुई है विद दी हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब अगर हम बात करें किसकी, थर्ड नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि वो लिक्विड है, तो लिक्विड मैट्रिक्स कहाँ होता है, इन अवर ब्लड। जो हमारा ब्लड है, एज यू नो अगर चोट लगेगी तो ब्लड है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, उसमें क्या है, उस ब्लड के अंदर सेल्स भी प्रेजेंट है ना, इतना तो हमें बेसिक पता है कि ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, पर ये जो ब्लड है वो हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ये है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा था, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू इन टूडेज क्लास, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, यानी इसके कौन कौन से टाइप्स होंगी और उनको वन बाय वन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में इसमें हमें चार टाइप्स पढ़नी है, एरियोलर, एडिपोज, टेंडन्स एंड लिगामेंट। ये क्या है, चार टाइप्स हैं ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होगा इसका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, लेस रिजिड होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये जो टिश्यू है हमारा, इसकी जो मैट्रिक्स होंगी वो क्या होगा, जेली लाइक होगा, इट्स मैट्रिक्स इज जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक मैट्रिक्स होता है इसके अंदर। अब ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन दी ऑर्गन्स, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा, ये जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रेजेंट रहेगा। एज एन एज जो हमारी स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे और जो हमारे मसल्स हैं इसके नीचे, उसके बीच में, यानी मसल्स और जो स्किन है उनके बीच में, यानी कि स्किन को उन मसल्स के साथ अटैच होने में हेल्प करेगा, यानी कि क्या है, कनेक्टिव इन फंक्शन है, ये इन पार्ट्स को क्या कर रहा है, कनेक्ट होने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं उनके सराउंडिंग में भी क्या होगा, जो हमारा ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये जो टिश्यू है इसका मेन काम क्या है, पैकेजिंग। ये क्या हमारा पैकेजिंग टिश्यू है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि वाई इट इज नोन एज पैकेजिंग टिश्यू, क्योंकि ये पैकेजिंग है, मतलब कि पैक करने में हेल्प कर रहा है। पैक कैसे करोगे आप, अगर आपको कोई जो आपने कोई भी एक आप बना रहे हो, लेट्स सपोज मॉडल बनाया आपने, तो उस मॉडल के अंदर जो आपको चीजें पेस्ट करनी है उस चीज को हेल्प कौन करेगा, जो ग्लू होगा वही हेल्प करेगा। अगर वो ग्लू नहीं है तो जो डिफरेंट डिफरेंट आपने उसके अंदर जो भी लेट्स सपोज हाउस बनाया है, ट्री बनाया है, वो उसके ऊपर आप पेस्ट नहीं कर पाओगे।
तो उस तरीके के से क्या करेगा, इसमें हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सबको एक दूसरे के साथ अटैच करने में, यानी उन सबको चिपका के रखने में, ठीक है, कनेक्ट करके रखने में ये हेल्प करेगा। कौन? हमारा एरियोलर टिश्यू। अब इसके अंदर क्या होंगे, दो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज द कोलाजन फाइबर, ये क्या होंगे, वाइट होंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं वाइट कोलाजन फाइबर्स, ये प्रेजेंट होंगे इसमें, एज वेल एज इसमें प्रेजेंट होते हैं येलो इलास्टिन फाइबर्स, ये दोनों के दोनों फाइबर्स भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे इन दिस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ नेक्स्ट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये वो पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होगा उसको स्टोर करने के रखने में हेल्प करेगा। अब देखो हमने खाना खाया, फिर उसके बाद कुछ पर्सन होते हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कुछ होते हैं वो कम खाते हैं। अब देखो जो बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं लेकिन वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा कोई भी बंदा, तो उस केस में क्या होगा, ओबेसिटी आएगी, यू नो वेरी वेल। तो ये जो फैट होता है बॉडी के अंदर वो स्टोर का होता है, जो भी आपने एक्सेस में फैट लिया, लाइक सपोज कोई जो पर्सन है बहुत ज्यादा ऑयली खाना खा रहा है, तो उस केस में उसका जो फैट होगा जितना भी वो फूड में ले रहा है, अब देखो फैट का मेन काम क्या था, एनर्जी प्रोवाइड करना, पर वो काम तो कर नहीं रहा, तो एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं, और फैट क्या करता है स्मॉल अमाउंट में भी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देता है, अब उसने वो एनर्जी तो यूटिलाइज की नहीं, वो और ज्यादा फैट को क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, उस फैट को स्टोर कर लेती है। अब देखो नॉर्मली तो हमारी बॉडी को फैट की नीड थी, लेकिन जब ये एक्सेस में हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, जो हमारा स्टमक वाला एरिया बेली फैट है वो बढ़ जाएगा, जो हमारे हाथ है पैर है वो भी क्योंकि धीरे धीरे मोटे होने स्टार्ट होंगे, और जो पर्सन होगा वो मोटा हो जाएगा। अब ये जो फैट स्टोर हुआ वो कहाँ हुआ, इन दिस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसकी जो सेल्स होती है उनको हम बोलेंगे एडिपोज सेल्स, ठीक है, इनकी जो सेल्स होती है उनको हम बोलते हैं एडिपोज सेल। इनके जो सेल्स होंगी उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो इनके केस में क्या होगा, एक सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होगा दैट विल स्टोर फैट इन इट, वो क्या करता है अपने अंदर फैट स्टोर करके रखता है, और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो फिर ऑब्वियसली सेंटर में वो वैक्यूल प्रेजेंट है जिसने फैट को स्टोर करके रखा है, तो न्यूक्लियस क्या होगा पेल्विस की तरफ मूव ऑन हो जाएगा, और जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी क्या होगा काफी थिन होगा, यानी कि लेट्स सपोज दिस इज द सेल, तो इसमें सेंटर में तो क्या हो गया बड़ा सा जो हमारा ऑयल स्टोरेज या यू कैन से फैट स्टोरिंग जो वैक्यूल होगा वो न्यूक्लियस क्या होगा साइड में प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म क्या है फिर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा इन दिस एडिपोज सेल, ठीक है। अब ये जो टिश्यू है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ये एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है अराउंड द ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको ज्यादा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है उनके सराउंडिंग में क्या होगा प्रेजेंट होगा, सो दैट वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। लेट सपोज जो हमारी किडनी है तो किडनी के चारों ओर ये प्रेजेंट होगा, जो हमारी आईज हैं आईज के सराउंडिंग में, जो आई होल है उसके सराउंडिंग में भी क्या होगा ये प्रेजेंट होगा, तो ये क्या है एडिपोज टिश्यू है, यही वो टिश्यू है जो कि क्या करता है हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, क्या करेगा ये इंसुलेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी की हीट होती है उसको ट्रैप करके रखने में हेल्प करेगा। अगर आपने फास्ट रखा ऑब्वियसली इसका मतलब आप खाना नहीं खा रहे, तो आप जब खाना नहीं खाते स्टिल आपकी बॉडी क्या है काम कर रही है, उस केस में भी क्या होगा इसके अंदर जो फैट स्टोर्ड है ये क्या करते हैं एनर्जी देंगे, ये क्या होंगे इस पार्ट को छोड़ करके बाहर निकलेंगे और फिर क्या होगा जो एनर्जी को मिल जाएगी, तो ये क्या था एडिपोज टिश्यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दैट्स द टेंडन्स। अब देखो इसके अलावा ये हमें कुछ और पार्ट जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वहां पे भी क्या होगा ये मिलेगा, एज वेल एज जो हमारा येलो बोन मैरो है वहां पे भी हमारा ये जो टिश्यू है एडिपोज वगैरह मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट से मिलेगा। नेक्स्ट है टेंडन्स। अब देखो टेंडन्स और लिगामेंट्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, इनका जो डिटेल फंक्शन पढ़ा हुआ है हमने बस कि ये काम क्या करते हैं, तो जो टेंडन्स है ये क्या करेंगे, ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करते हैं हमारी मसल्स को बोन्स के साथ, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं उन्हें ये बोन्स के साथ क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट जो भी मूवमेंट होती है लेट्स सपोज हम इसको बेंड कर रहे हैं तो ये बेंडिंग किस वजह से पॉसिबल हुई, जो मसल्स थी वो बोन्स के साथ कनेक्टेड थी, अगर मसल्स बोन के साथ कनेक्टेड नहीं होती तो मूवमेंट ही नहीं अगर करती, राइट।
तो टेंडन्स का काम क्या है, ये कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन्स के साथ। मसल्स में भी कौन सी, स्केलेटल मसल। लिगामेंट्स क्या करेंगे, ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा वो देखो, तो इनकी जो सेल्स होती हैं जिससे मिलकर के बनेंगे उनको क्या कहेंगे हम, उनको बोलेंगे हम लोग फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, जो इनकी सेल्स हैं जो कि इन्हें फॉर्म करेंगी दे आर नोन एज फाइब्रोब्लास्ट। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे इनकी अरेंजमेंट टेंडन्स के केस में क्या होगी, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे ये, बट लिगामेंट्स के केस में ये इरेगुलरली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जो हमारा टेंडन वाला पार्ट है इसके अंदर क्या होंगे, एन इलास्टिन कोलाजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, इन इलास्टिक कोलाजन फाइबर्स होते हैं, क्योंकि इन इलास्टिक है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। ये जो फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कि फाइब्रोब्लास्ट हैं, ये सब क्या होंगे एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या होंगे, अरेंज होंगे। और इनकी पैकेजिंग में कौन हेल्प करेगा, तो पैकेजिंग टिश्यू कौन है, एरियोलर है, तो यही क्या करते हैं, इन फाइबर्स को एक साथ रहने में मदद करेगा। अब ये क्या है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये स्केलेटल मसल्स को अटैच करेंगे विद दी बोन्स। लिगामेंट जो होंगे दे आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, ये येलो इलास्टिन फाइबर्स के बने होंगे। इनके केस में जो ये फाइब्रोब्लास्ट हैं ये क्या होंगे, इररेगुलरली अरेंज होंगे, पर्टिकुलर पैटर्न को ये क्या होंगे, फॉलो नहीं करेंगे। और ये बाउंड किसकी हेल्प से होंगे, अगेन एलियोलर टिश्यू जो होगा वो इनको क्या करेगा, पैक होने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बाउंड विद द हेल्प ऑफ द एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इनका मेन काम क्या होगा, तो इनका मेन काम होता है हमारा बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करके रखने में हेल्प करना। ठीक है, जो लिगामेंट्स हैं वो क्या करेंगे, बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो टेंडन है वो क्या करेंगे, स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यही था टॉपिक आज का आपका, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कि फिनिश हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्केलेटल जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में। तब तक के लिए बाय। अगर ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को।